हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम अपने हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर की लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 लेसन अपलोडेड हैं, आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो आप प्रीवियसली जो लेसन अपलोडेड हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है? उनसे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो आज का जो लेसन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट के बारे में और हम पढ़ेंगे स्टेट फूड अथॉरिटी के बारे में। तो इन्फोर्समेंट जो है वो एक टर्म, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इस टर्म के बारे में हो सकता है आपने प्रॉपर तरीके से ना पढ़ा हो इसका क्या मतलब होता है, लेकिन ऑल ओवर चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम पढ़ेंगे। और स्टेट फूड अथॉरिटी के अंदर में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, फूड एनालिस्ट होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, इन सभी के बारे में इसमें हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं जो इनको प्रॉपरली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर हम ये सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है हमारा, उसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि इनको क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने होंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, सिलेबस से रिलेटेड या फिर पैटर्न से रिलेटेड कुछ आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ो, swaeducation_official के नेम से। टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ो, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है? तो जैसा कि यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट एंड स्टेट फूड अथॉरिटी, ठीक है, तो इन्फोर्समेंट के बारे में देखें तो यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर हम समझें पहले, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो है वो एक तरीके से आपको पता है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो चीज़ों को रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया एंड शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। तो फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, किस लिए? अगर आपको फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करना है, इसके साथ ही साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या फिर हमारी पार्लियामेंट बनाती है या फिर FSSAI कोई रेगुलेशन बनाता है फूड को लेकर के, तो उनको अगर हमें इंप्लीमेंट करना है कहां पर, ग्राउंड लेवल पे, एकदम फील्ड लेवल पे, तो ये काफी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम आगे देखें द फूड अथॉरिटी एंड द स्टेट फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी मतलब FSSAI, स्टेट फूड अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटीज स्टेट में काम कर रही है फूड सेफ्टी को लेकर के, अगर वो ज्वाइंटली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता है, फिर ये इतना चैलेंजिंग टास्क नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर देखो मेंशन है कि वाइल फूड अथॉरिटी प्रोवाइड पॉलिसी इंटरवेंशन डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एट नेशनल लेवल, उसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT कंडक्ट फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एट द फील्ड लेवल। तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर FSSAI अगर कोई रेगुलेशन बनाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है, तो उसके बाद में अगर इनको इम्प्लीमेंट करना है फील्ड लेवल पे, तो ये जो मेजर इंपॉर्टेंट काम है ये किसका है? यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट फूड अथॉरिटी और FSSAI दोनों को एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करना होता है, जिससे चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम उनका इन्फोर्समेंट अच्छे से कर सकें, ठीक है? उसके बाद में देखो आगे यहां पर मेंशन है द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ऑफ फूड स्टैंडर्ड एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर रेस्ट प्राइमरली विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, ठीक है, एंड फिलिंग अप ऑफ नेसेसरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमें चीज़ों को इन्फोर्समेंट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो भी वैकेंसीज हैं वो निकालेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये पोस्ट जो है उनको फुलफिल करेंगे जो ज़रूरी हैं इन्फोर्समेंट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देखो आगे ये भी मेंशन किया गया द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ इम्पार्टिंग नेसेसरी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इन्फोर्समेंट स्टाफ ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो FSSAI है वो देखा होगा कि टाइम
टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस इशू करता रहता है, या फिर वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल स्टाफ है उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है FSSAI, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेंशन है कि ये टास्क कितना टफ क्यों हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे कंट्री में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाओगे तो वहाँ का आपको कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज काफ़ी चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी। अगर आप साउथ में जाते हो तो वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से चेंज है, अगर आप नॉर्थ रीजन में हो तो अलग है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहाँ पर चीज़ें आपको अलग देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ साइज और आप इसके साथ ही साथ पॉपुलेशन, फूड कल्चर, लैंग्वेज, इंडस्ट्री पेनिट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड लोकेशन हैज़ इट्स ओन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबका अपना अलग अलग लेवल ऑफ मैच्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी और इसके साथ ही साथ विच इज़ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर FSSAI क्या है, बहुत सारे आप देखोगे कि छोटे स्टेट हैं, आप वहाँ पर देखोगे कि सबका अपना अलग अलग लेवल है, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी, कहीं पर आपको बहुत कम इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी, कहीं पर आप देखोगे कि मतलब एकदम रिमोट एरियाज हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को इन्फोर्समेंट करना, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है FSSAI ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इनको लेकर के, काफ़ी सारा असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जिससे जो नेशनल लेवल पे जो लॉ बनने उनको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। नेशनल लेवल पे हमने बना तो दिए रेगुलेशन, उनको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करना है तो उसके लिए FSSAI टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करता है एंड ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट कराता रहता है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर देखो आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी। स्टेट फूड अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन आगे हम देखेंगे। अगर हम स्टेट फूड अथॉरिटी की बात करें तो द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, जो एक्ट है हमारा फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाला, अगर उसका इन्फोर्समेंट करना है तो द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट इन स्टेट इज कैरीड आउट थ्रू द स्टेट और यूनियन टेरेटरी। तो उसमें मेजर कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, पहला तो होगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, दूसरा होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तीसरा होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड फूड एनालिस्ट एंड पंचायत राज या फिर म्यूनसिपल बॉडीज वगैरह होती हैं उनका सबसे लोअर लेवल पर आप देखोगे तो उनका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि सेंटर में एक ऑफिसर है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर देखने को मिलेगा जो पूरी तरीके से उस स्टेट में फूड सेफ्टी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि एक सिटी जो होता है, जैसे किसी भी सिटी की मान लेते हैं, न्यू दिल्ली की बात मान लेते हैं, यूपी से हो आप लखनऊ की बात मान लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एक सिटी में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, FSODO बोलते हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। उसके बाद में जो वहाँ पर आपको सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर सब डिविज़न में आपको एक एक फूड सेफ्टी ऑफिसर देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देखने को मिलता है और फूड एनालिस्ट देखने को मिलता है। ये सभी आपस में एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अगर आप कल को फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो इन सभी लोगों के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटी, आखिर स्टेट फूड अथॉरिटी का रोल क्या होता है, तो स्टेट फूड अथॉरिटी या फिर यूनियन टेरिटरी आर एडवाइज्ड टू टेक अप फॉलोइंग टास्क, कौन कौन से टास्क होते हैं, टू डेजिग्नेट अ सीनियर ऑफिसर एज अ नोडल ऑफिसर। तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करना एज अ नोडल ऑफिसर फॉर द फोर्स टैक या फिर अदर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे टू डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर ट्रेनिंग ऑफ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर एंड फूड हैंडलर्स एज पर गिवन फॉर्मेट टू बी प्रोवाइडेड बाय FSSAI। तो आपने FOSTAG के बारे में सुना होगा कि जैसे कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसके पास में एक ट्रेंड सुपरवाइजर होना चाहिए, तो उन सभी के बारे में ये भी एक स्टेट का काम होता है, क्योंकि FSSAI तो गाइडलाइन इशू कर देता है या फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल इशू कर देता है, लेकिन फील्ड लेवल पे उसको करना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद में आप देखोगे थर्ड पॉइंट पर मेंशन है टू आइडेंटिफाई एंड फैसिलिटेट इम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो एक तरीके से जो ट्रेनिंग पार्टनर वगैरह है उनको फैसिलिटेट करना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट पर लिखा है टू डेवलप अ पूल ऑफ स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन एज पर प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर लिखा गया टू हेल्प इन ट्रांसलेट एंड वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट एज रिक्वायर्ड।
ये सारे सिंपल चीज़ें हैं, बस इनको आपको याद रखना है। ऐसे ही टू कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इंक्लूडिंग ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन रिलेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद में देखोगे टू कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, तो बेसिकली आप देखोगे कि मेजर काम ये होता है स्टेट फूड अथॉरिटी का, एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह जो है उनको कराना, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, उनको इन्फोर्समेंट करना, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी है, हायर टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उनके साथ में क्या करना, एक तरीके से कोऑर्डिनेट बैठा करके आगे की चीज़ों के बारे में बात करना कि यहाँ पर हम क्या और अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि FSO यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बींग फील्ड लेवल ऑफिसर जो कि एक फील्ड लेवल ऑफिसर होता है इन डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट विद FBO, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के साथ में एक तरीके से डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफिसर होता है ये, शुड प्ले एक्टिव रोल इन मेकिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर अवेयर ऑफ प्रोविजन फॉर मैंडेटरी ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो होता है वहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो वो फील्ड लेवल ऑफिसर होता है, क्योंकि बाकी सारे ऑफिसर जो होते हैं वो फील्ड लेवल ऑफिसर नहीं होते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर एक फील्ड लेवल ऑफिसर होता है। तो उसका काम ये होता है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जो भी फूड का कोई बिजनेस कर रहा है, उसको एक तरीके से अवेयर करना, जो ट्रेनिंग को लेकर के जो प्रोविजंस हैं, जो भी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको करना जरूरी है उनके बारे में अवेयर करना। इसके साथ ही साथ जो भी एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं फूड बिजनेस को लेकर के, क्योंकि उनको भी समझाना, उनके बारे में भी अवेयर करना, ये भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है, क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है। कोई भी पर्सन अगर फूड बिजनेस कर रहा है, कोई उससे इतना आइडिया नहीं होता है कि एक्ट क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को लेकर के अवेयर कराना फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम वन बाय वन देखें, देखो आज जो है ना हम इस वीडियो में बाकी सारे ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर FSO की बात करें, फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इन सभी के बारे में पढ़ने के बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला क्या है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 30 ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जिसको अपॉइंट करेगी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए, वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक सीधे ये इंडिकेट करता है कि वो जो ऑफिसर होगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होगा, वो एक तरीके से सीनियर IAS ऑफिसर होगा, तभी जो है वो कमिश्नर रैंक का होगा। इसके साथ ही साथ वो सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ी रैंक होती है, तभी उसको एज अ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, तो आफ्टर प्रमोशन लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वाइल डीलिंग विथ मैटर रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी ऑफ सच आर्टिकल, ठीक है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू करता रहता है, या फिर जो भी एक्ट शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर की जो पावर है उनको लेकर के गाइडलाइन वगैरह इशू करता रहता है, कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। तो क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रोहिबिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो वो किसी भी फूड आर्टिकल को प्रोहिबिट कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर उसको लगता है कि ये पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको प्रोहिबिट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, इन सभी चीज़ों को प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकता है, वो कैरी आउट सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट है उनका, एक सर्वे कैरी आउट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिससे कि क्या हो, एक तरीके से अवेयरनेस को फैलाया जा सके। फिर सैंक्शन प्रोसिक्यूशन अ प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समबडी विद अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पर एक बात यह आ जाती है कि अगर कुछ आप देखते हो कुछ ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर क्या करना है, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन करना है। सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफिशियली चार्जिंग समबडी विद अ क्राइम, अगर क्राइम को लेकर के किसी को चार्ज करना है अगर इन कोर्ट ऑफ लॉ में, तो यहाँ पर उसके लिए सैंक्शन जो इशू करेगा वो कौन करेगा, कमिश्नर
कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में ये पावर नहीं होती है। दूसरा जो हमारा ऑफिसर आता है वो आता है हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या है, जैसे आप किसी स्टेट में जॉब कर रहे हो एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो किसी पर्टिकुलर सिटी में आप जॉब करोगे, उस पर्टिकुलर सिटी में एक ऑफिसर होगा जिसको आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग जो आपकी होगी वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगी। तो एज पर सेक्शन 36 द कमिश्नर अपॉइंट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू बी चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेसिफाइड एरिया, फर्दर एज पर रूल 2.1.2 डेजिग्नेट। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में मेंशन है। तो यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाएगा ना, तो वो पहली बात तो वो आप देखोगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर एक तरीके से नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है मतलब SDO है, उसके इक्विवेलेंट जो है रैंक होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका काम ये होता है कि टू इशू और कैंसिल फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो लाइसेंस है उसको इशू कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी प्रोहिबिट कर सकता है, प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज़ इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन है उसका अगर कोई कंट्रावेंशन होता है तो यहाँ पर ये प्रोहिबिट कर सकता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड के सेल को, परचेज को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में टू रिसीव रिपोर्ट एंड सैम्पल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर हिज जरिडिक्शन एंड गेट देम एनालाइज। तो यहाँ पर क्या है, जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको सबमिट करता है, उसको रिसीव कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है, ये सारा काम इसका होता है। इसके बाद में आप आगे देखोगे कि ये भी मेंशन है कि टू मेक रिकमेंडेशन टू कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर सैंक्शन टू लॉन्च ए प्रोसिक्यूशन। तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक तरीके से ये भी करेगा कि रिकमेंडेशन देगा किसको, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, फॉर द सैंक्शन टू लॉन्च ए प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन के बारे में पीछे देखा कि अगर किसी को अगर लीगली क्राइम को लेकर के चार्ज करना है तो ये एक प्रोसीजर होता है, तो इसको लेकर के ये रिकमेंडेशन दे सकता है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे टू सैंक्शन और लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कंट्रावेंशन पनिसेबल विथ फाइन, ठीक है। तो फाइन को लेकर के या फिर कुछ पेनल्टीज वगैरह इम्पोज करनी है तो उसके लिए अगर कोई सैंक्शन वगैरह लॉन्च करना है तो ये कर सकता है, ठीक है। आपको जब आगे देखोगे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज डेजिग्नेटेड ऑफिसर और एडजेटिकेटिंग ऑफिसर में देखने को मिलेंगे, उसको लेकर आप कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन मेड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जितने भी इंस्पेक्शन जो भी रेट वगैरह मारता है तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो रहता है किसके पास में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। टू गेट इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेंट विच मे बी मेड इन राइटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकता है और भी चीज़ें। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट विथ मे बी मेड इन राइटिंग अगेंस्ट द फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कोई डालता है, क्योंकि आप देखोगे कई सारे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को मतलब ब्राइब लेते टाइम पकड़ा गया था, तो उसके बाद में ये अब ये अथॉरिटी किसके पास जाएगी, मतलब कौन वहां पर इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो और कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी उसको एक्सरसाइज करता है तो यहाँ पर इनको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है थर्ड नंबर पे जो ऑफिसर है वो है एडजेटिकेटिंग ऑफिसर। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडजेटिकेशन, तो एडजेटिकेशन का पर्पस मतलब यही होता है कि एक तरीके से आप देखोगे कुछ भी अगर कोई आप देखोगे कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अगर हो जाता है तो उसको लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं आगे का जो भी लीगल प्रोसीजर होता है तो वहाँ पर एडजेटिकेटिंग ऑफिसर रोल में आ जाता है, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडजेटिकेशन द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई एडजेटिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसकी रैंक जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर उससे अबव की कोई रैंक होनी चाहिए। द एडजेटिकेटिंग ऑफिसर हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो उसके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है। ध्यान रहे क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, केवल सिविल कोर्ट की बात हो रही है, तो उसके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है, ठीक है।
फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन ये मेंशन है कि द रोल ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज इंपॉर्टेंट फॉर लुकिंग इनटू ऑफेंस कमिटेड कंट्रावेंशन ऑफ द, यानी कि कोई भी ऑफेंस वगैरह होता है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, अगर कोई कंज्यूमर है उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, अगर उसको कोई इंजरी होती है, इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो सब जाएंगे किसके सामने, एडजुडिकेटिंग के ऑफिसर के सामने जाएंगे। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन हैज कमिटेड द कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर इम्पोज सच पेनाल्टी एज ही थिंक फिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है किसी पर्सन ने किसी कोई क्राइम किया है तो उसके बाद में पेनाल्टी इम्पोज करने का काम जो है वो कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको लगेगा कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर सही है फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर पेनाल्टी को इम्पोज करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर द एडजुडिकेटिंग ऑफ द फूड रिलेटेड केसेस। तो ये इसको नोटिफाई कौन करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। में इशू डायरेक्शन टू पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंसेस फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक और डिस्ट्रक्शन ऑफ सच आर्टिकल ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये एक डायरेक्शन भी इशू कर सकता है। मान लिया अगर कोई पर्सन है कोई क्राइम करता है तो अगर उसके बाद में मान लिया सपोज दैट कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है कोई गलत काम करता है जो भी प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं उनका कंट्रावेंशन करता है, तो उस केस में ये एक डायरेक्शन भी इशू करता है कि हाँ भाई इसको तुम आप इम्प्रूव कर लो। लेकिन अगर वो इम्प्रूव नहीं करता है दूसरे टाइम पे भी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। में डायरेक्ट ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन टू विक्टम। तो यहाँ पर जो भी ऑफेंस करता है उसको यहाँ पर ये भी डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कि आप कंपनसेट करो जो विक्टिम का जो भी नुकसान वगैरह हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर इसके साथ ही साथ अगर जो विक्टिम है अगर उसकी डेथ हो गई है तो उस केस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। मे इशू ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर को इशू कर सकता है। ही ऑल्सो इशू प्रोविजन ऑर्डर, प्रोविजन ऑर्डर को भी इशू कर सकता है। तो मैंने बोला ना एक दो सिमिलैरिटीज आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं फूड एनालिस्ट की। तो फूड एनालिस्ट क्या होता है? तो फूड एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजिशन होती है, आप कह सकते हो फूड एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफिसर होता है। तो जिसका काम क्या होता है, जो फूड टेस्टिंग और एनालिसिस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम फूड एनालिस्ट का होता है। तो और एक ये ऐसा ऑफिसर होता है कि जो भी अपनी रिपोर्ट वगैरह भेजता है तो आप देखोगे उस पर फूड एनालिस्ट के साइन होते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी हायर अथॉरिटी भी होता है अगर आप देखोगे फूड टेस्टिंग और एनालिसिस को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एज पर सेक्शन 45 कमिश्नर अपॉइंट करेगा फूड एनालिस्ट को। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 45 में लिखा गया है कि कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करेगा किसको, फूड एनालिस्ट को। तो डिफरेंट एनालिस्ट में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड। कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड एनालिस्ट को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ पैकेज कंटेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस फॉर अ फूड सेफ्टी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन द फूड एनालिस्ट शैल कंपेयर द सील। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फूड एनालिस्ट जब भी कोई रिसीविंग करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो भी कंटेनर वगैरह है उसको प्रॉपर सील को चेक करता है और जो भी सैंपल वगैरह उसको मिलता है उन सभी को प्रॉपर तरीके से उसकी पैकेजिंग वगैरह को चेक करता है। अगर इन केस वहाँ पर क्या होता है कि फूड एनालिस्ट इज़ फाउंड टू बी ब्रोकन कंडीशन और अनफिट फॉर एनालिसिस, अगर जो उसको सैंपल कंटेनर जो मिल रहा है वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड नहीं था या फिर उसकी सील जो थी ब्रोकन थी, तो उस केस में क्या करेगा फूड एनालिस्ट जो है विद इन 7 days क्या करेगा कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बोलेगा एक क्या करेगा एक रिक्वजिशन को सेंड करेगा कि सर आप जो है ना दोबारा से हमें सैंपल जो है भेज दो। क्योंकि आपको पता है कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर जो सैंपल कलेक्ट करता है तो वो 2 sample की जो दो मतलब उनको 4 parts में डिवाइड करता है तो उसमें से 2 जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी देता है। तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर से दोबारा से ये मांग सकता है फूड एनालिस्ट अगर क्या पता कि वो सैंपल अगर ख़राब हो जाता है तो इस केस में वो दोबारा से इसको मांग सकता है। उसके लिए यहाँ पर ये क्या करेगा रिक्वजिशन को सेंड करेगा। इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है यहाँ पर कि सबसे पहला काम ये होता है कि उस कंटेनर की सील वगैरह को चेक करता है, अगर वो ब्रोकन पाई जाती है तो दोबारा से सैंपल के लिए डिमांड करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर से विद इन 7 days। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बात है कि द फूड एनालिस्ट शैल कॉज टू बी एनालाइज सच सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड एज मे बी सेंड टू द हिम बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज
अंडर दिस एक्ट। कहने का मतलब है जो फूड एनालिस्ट को जो भी सैंपल वगैरह भेजना होता है या तो फूड सेफ्टी ऑफिसर भेजेगा या फिर कोई अदर पर्सन भी भेज सकता है, लेकिन वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, कोई ऐसे थर्ड पार्टी पर्सन नहीं भेज सकता है। उसके बाद में क्या है कि द फूड एनालिस्ट सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो 14 डेज में ये टेस्टिंग करेंगे, उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो किसको सेंड करेंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेंड करेगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो भी 4 कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। तो उसमें प्रॉपरली ये भी मेंशन होगा कि हमने कौन सा मेथड उन्होंने यूज़ किया है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद में एन अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट सेल लाइव बिफोर द डेजिग्नेट ऑफिसर हु शैल इफ ही सो डिसाइडेड रेफर द मैटर टू द रेफरल फूड लेबोरेटरी एज नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर ओपिनियन। ठीक है, इन केस में अगर क्या होता है कि अगर कोई फूड एनालिस्ट कोई टेस्टिंग वगैरह करता है, अपनी रिपोर्ट वगैरह इशू करता है, बट उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करता है कि भाई ये जो टेस्टिंग है ये सही नहीं है, फूड बिजनेस ऑपरेटर उसको करता है, तो फिर उसको कहाँ भेजा जाएगा, रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये था आज का पूरा हमने जो पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले देखो हमने पढ़ा कि इन्फोर्समेंट होता क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंट इन्फोर्समेंट के बारे में पढ़ा, फिर इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज हमने किसके किसके बारे में पढ़ा, तो आज हमने एक तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने जो पढ़ा वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में, और उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो फूड एनालिस्ट के बारे में पढ़ा। तो इन चार के बारे में हमने पढ़ा। आगे जो हम देखेंगे पांचवें नंबर पे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, एफएसओ के बारे में। एफएसओ के बारे में हम देखेंगे, अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसके पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं जिनका ये यूज़ कर सकता है फील्ड लेवल पे। ठीक है, तो आई होप जो भी सेशंस हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा सा मतलब काफ़ी टाइम लगता है ऐसे वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में, तो प्लीज़ यार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ज़रूर करना, जिससे हम आगे और कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि मुझे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताओ, और फिर हम चीज़ें को धीरे धीरे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जो भी सिलेबस है वो हम आप यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा तेज़ हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है, तो वो आप नीचे सजेशंस वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।